बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं लेटेस्ट यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के हवाले से, जिसे सी यू वास कहा जाता है, स्टॉलोस्टाम ऑफ यूनिवर्सिटी एंड वेटरनरी साइंसेज, जिसे जो कि बहावलपुर के अंदर मौजूद है। उसमें कौन कौन से प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ओपन है, कैसे अप्लाई करना है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि आपको आने वाले हर किस्म की एजुकेशन इन्फॉर्मेशन जो है वो भी द बेस्ट ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ अगर कोई डॉक्यूमेंट डिसेस करने हो, कोई बैंक का चलान पे करना हो या कोई भी आपको डाटा एंट्री के रिलेटेड या कोई सीवी या कोई प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड आपको काम हो, आप घर बैठे हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे और तमाम इन्फॉर्मेशन को फिर भी हासिल करके विद मिनिमम कॉस्ट के साथ आप हमारे सर्विसेज को इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब बात करते हैं, गूगल में आपने सिंपली जाना, यहाँ पर सर्च करना सी यू वास, सी यू वी, जैसे सर्च आउट करेंगे तो आपके सामने यूनिवर्सिटी का नेम और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेज, ठीक है, इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, सी यू वास पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एडमिशन पोर्टल उनका ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चौलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज बहावलपुर। यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे एडमिशन फॉर 22 का ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे आपके सामने डिफरेंट अदर चीजें भी अवेलेबल है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का अगर कोई भी आप चीज और चेकआउट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे एडमिशन ओपन 2022 के, फॉर 2022 के, और वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो लोग अभी वेटिंग रिजल्ट में भी हैं, जो लोग ऑलरेडी एफएससी पास कर चुके हैं, जिनके पास पार्ट वन का रिजल्ट है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज बहुत ज्यादा लोग जो हमको पता ही नहीं होता कि हम लोगों ने अप्लाई करना है, अभी एडमिशन प्रोसेस कंटिन्यू, तो हमने अप्लाई करना तो कैसे अप्लाई करें, मेन बात ये होती है। तो आपको मैं प्रॉपर गाइडलाइन देने वाला हूँ। आपने सिंपली यहाँ पे एडमिशन फॉर 22 पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। उस न्यू टैब के ऊपर, न्यू विंडो के ऊपर आपने तमाम प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और प्रोग्राम जो ऑफर किए जा रहे हैं उसको डिस्कस करना है। बात हो कैंडिडेट्स जो है, वो बहुत सारे यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिक प्रोग्राम ऑफर करती हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिशन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए कौन कौन एलिजिबल होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिशन डेट्स आपके सामने डिस्कस की जा रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 साल से पोर्टल ओपन है और लास्ट डेट जो है 31/8/2022 है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट डिस्प्ले फर्स्ट मेरिट लिस्ट, वो भी डिटेल अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं बैक पे जाता हूँ। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप तमाम प्रोग्राम का देख सकते हैं, डीवीएम के लिए, उसके बाद एनिमल साइंसेज, अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम है आप इनको सारा कुछ डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे सारा कुछ अवेलेबल है। अब मैं बात करता हूँ बैक साइड पे जाता हूँ। यहाँ पे आप एलोकेशन ऑफ सीट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, यहाँ पे एलोकेशन ऑफ सीट्स डिस्कस की जा रही है। यहाँ पे आप सारा देख सकते हैं, मेरिट ओपन मेरिट पे डिस्कस किया जा रहा है, मुल्तान डिवीजन पे, सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग आप उस हवाले से भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कोटा को देख के देन अप्लाई करें। अब यहाँ पे मैं बैक आता हूँ। यहाँ पे फीस एंड ड्यूज के हवाले से डिस्कस किया जा रहा है कि फीस एंड ड्यूज को हम डिस्कस करें तो इसमें कौन कौन से लोग इंक्लूड आते हैं, क्या क्या फीस आती है, आप इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ मैं आपके सामने फीस का पोर्टल। यहाँ पे जैसे फॉर्मेट रूम के आपके सामने फीस जो डिस्कस की जा रही है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या डिसाइड की गई है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो स्टूडेंट्स भूल जाते हैं विदाउट नोइंग सारी इंफॉर्मेशन को, वो अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा कुछ डिस्कस किया जा रहा है। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर फॉर 4 ईयर बेस प्रोग्राम, उसके बाद यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर फॉर बीएसएमआईटी मॉडलिंग डीवीएम 5 ईयर प्रोग्राम, उसके हवाले से डिस्कस किया जा रहा है। तो आपने इसको देख लेना है और हर प्रोग्राम के अलग अलग फीस मेंशन और जो जो चीजें रिक्वायर है वो भी मेंशन, और एक्सपेंस कौन कौन से प्रोग्राम के अंदर क्या क्या है वो भी सारा कुछ मेंशन है, आपने उसने उसको देख लेना है। अब बैक में आना, यहाँ पे आपने क्या करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेना है। जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। अब रजिस्ट्रेशन करने नेट थोड़ा सा स्लो है, अब वेबसाइट भी थोड़ी सी आई थिंक बिजी है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रहा है लॉग इन करने में या पोर्टल को ओपन करने में। यहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारे प्रोग्राम आपके सामने अवेलेबल है, आपने इसको देख लेना है। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको सारा कुछ बता दिया गया। यहाँ पे आपने लॉग आउट करके, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, लॉग आउट करने से पहले लॉग आउट कर देना है। आप न्यू यूजर है तो आपने यहाँ पे रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है। जैसे रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है, अपना सीएनआईसी नंबर, बेफॉर्म नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, आपने सारा कुछ लगा देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद लॉग इन कर लेना है आपने। जैसे लॉग इन करेंगे तो आपके सामने आपका जो सीएनआईसी के साथ आपका वेफॉर्म नंबर है उसके साथ आपकी ईमेल आईडी जो है वो ओपन हो जाएगी। अब ये बात कर लेता हूं मैं, अब लॉग इन करता हूँ। लॉग इन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉग इन मेरे सामने हो जाता है। यहाँ पे मैं पासवर्ड लगाता हूँ, जो मैंने पासवर्ड लगाया वो अब यहाँ पे पासवर्ड लगा देता हूँ।
यहाँ पे लॉगिन करूंगा। लॉगिन करने के बाद आपका जो मेरा जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। वो कहते हैं कि ईमेल इज अनकन्फर्म, प्लीज कन्फर्म इट एंड फाइंड द इन्फॉर्मेशन। जो आप ईमेल प्रोवाइड करेंगे उस ईमेल पे आपको एक लिंक जाएगा, वो ईमेल पे लिंक जाएगा तो आप कन्फर्म करेंगे और अपना पोर्टल दोबारा लॉग इन करेंगे। तो जैसे लॉग इन करेंगे तो आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म के अंदर आप अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन, अपनी बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन, अपनी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, ईच एंड एवरीथिंग, और प्रोग्राम की सिलेक्शन और चलान अपलोड तक आप ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मेंशन आउट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने एक्यूरेटली मेंशन आउट करनी है। अगर कोई भी कोई बात मिस लगी हो, आपको अप्लाई का प्रोसीजर समझ ना आ रहा हो, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह डिटेल के साथ आपको तमाम बातें बताई जाएंगी। आप टोटल फॉर्म में फिलअप नहीं कर सकता बिकॉज इट्स टेक लॉन्ग टाइम, ठीक है, और वीडियो हमारी जो है वो लेंथी हो जाएगी। सो इसलिए आपको एक तरीका समझा दिया है, आपने इसको फॉलो करना है। अगर मजीद कोई स्टूडेंट हमसे अप्लाई करवाना चाहे तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। जजाकल्ला, शुक्रिया।